युद्ध प्रारंभ हो जाता है और सूर्यास्त तक युद्ध चलता है और रात्रि में विश्राम एक ही जगह वही भोजन होता है, उसी के घर रहते हैं, धर्म युद्ध चल रहा है और देखिएगा बहुत दिनों तक यह युद्ध चलता रहा है। लेकिन अब तो 26 दिन इस युद्ध को चलते चलते हो गए। भीम ने भगवान कृष्ण से कहा है, सुनो आज रात्रि का युद्ध जब विश्राम हो गया, ठाकुर जी के पास आ गया, चरणों में बैठा, कहने लगा एक काम करो, ऐसा करो रात्रि में ही निकल चलो। भगवान ने कहा क्या कह रहे हो, कहाँ जाना है? भीम ने कहा प्रभु जी ये जरासंध मुझसे जीता नहीं जाएगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा भीम भैया क्या बात हो गई? अरे आप तो बड़े बहादुर हो भाई, क्या हो गया? भीम ने कहा अगर प्राण चाहिए, अगर जीवित रखना चाहते हो तो भाग चलो रात में ही निकल, जरासंध मुझसे जीता नहीं जाएगा। ठाकुर जी ने कहा बस तुम तो बड़ा आक्रोश में आकर के कह रहे थे कि मैं जरासंध का वध कर दूंगा, बड़े भैया भीम क्या हुआ, कहां तुम्हारा बल? भीम ने कहा प्रभु जी क्षमा करो, लेकिन मैं जरासंध को नहीं जीत सकता हूँ। भगवान ने देखा भीम का बल आस हो गया है, उसके ऊपर अपना कर कमल फेराया और जैसे ही उसके ऊपर हाथ फैलाया सारी पीड़ा का हरण कर दिया, जैसे पहले जैसा था वैसा ही हो गया यह भीम। भगवान ने कहा आप कैसा लग रहा है? भीम ने कहा प्रभु जी जितने दिनों तक अब युद्ध किया फिर से उतने ही दिन युद्ध कर लूंगा। का फिर वही अहंकार वाली बात, अरे इतने दिन युद्ध नहीं करना है तो क्या करना है? भगवान ने कहा जब युद्ध होना प्राप्त है तो हमारी तरफ दृष्टि से देखना, देख लेना भीम ने कहा बस देखना है। हाँ प्रातःकाल युद्ध हुआ है, ठाकुर जी बैठे बड़ा दरबार लगाए, युद्ध के मैदान में योद्धागण भिड़ गए, भिड़े युगल जता जरा अति दर्जा मुष्टि कुमार महा धुन गर्जा, बलवान योद्धा पर्वतों की तरह जैसे कि पर्वत आपस में भिड़ रहे हैं ऐसे ही भिड़ रहे हैं ये दोनों योद्धा। और युद्ध करते करते भीम ने मौका पाते भगवान कृष्ण की ओर देखा, एक तृण को लेकर के बीच में से चीर रहे थे, भीम ने समझा जब बीच में से चीरने से मर जाएगा और जल्दी कर दी, बीच में से चीर डाला उसे, जोश में था इसका तो सारा सारी पीड़ा का हरण हो गया, तो वो बेचारा 26 दिन से युद्ध कर रहा था है? चीर डाला और डाल दिया दोनों टुकड़ों को, लेकिन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, लेकिन वो दोनों ही टुकड़े एक पास में आकर के जुड़ गए, फिर पीछे से जरासंध खड़ा होकर के पकड़ लेता है भीम को, और जैसे ही पकड़ा भीम ने देखा जैसे तैसे तो मरा था ये, फिर जिंदा हो गया। अब ये मरने के बाद जिंदा होता रहेगा तो फिर मैं कहां तक मारूंगा इसे, फिर साहस करके युद्ध करने लगा बेचारा, और युद्ध करते करते फिर देखा कन्हैया की ओर, और जैसे कन्हैया जी की ओर देखा है ना, तो वो जिस तृण को चीर रहे थे ना बीच में से, उसी को चीर तो डाला है उन्होंने, लेकिन चीरने के बाद बैठे लेकर के उसकी दिशा को परिवर्तन कर दिया, बदल और तृण बीच में से चीरने के बाद जैसे बदला भगवान ने, उसी प्रकार भीम को इशारा कर रहा है, यह मरेगा तो चीरने के बाद ही, लेकिन मरेगा कब? इसके दोनों टुकड़ों को विभाजन किया जाएगा, अलग किया जाएगा, विपरीत किया जाएगा, और वैसा ही किया जरासंध का, वध किया भीम ने, और वध करने के बाद उसके दोनों टुकड़ों को विपरीत किया है और उसका दाह संस्कार करा दिया, उसके पुत्र सहदेव को राज्य दे दिया, उसका राज मुकुट जो सम्राट पर था उसे लेकर के आ गए और अपने महलों में बड़ा सुंदर राजसी यज्ञ को करना प्रारंभ किया। पांडवों ने अग्र पूजा का भाग दिया है भगवान श्री कृष्ण को, शिशुपाल को बुरा लगा, ये ग्वाला गाय चराने वाला जिसने वृंदावन गोकुल में माखन लूट लूट करके खाया, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास कोई राज्य नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं, उसे आपने प्रधान पद दे दिया, इनको तो बहुत ही बुरा लगा। वो गदा लेकर के उठना ही चाहते थे, भगवान कृष्ण ने कहा रुक जाओ बस, बहुत ज्यादा उतावली रहती हो, और समय रहने दो, समझा दिया। और पांडवों से आराम से भगवान ने सारे से कहा कहने दो, जितना ज्यादा कह रहा है
इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। शांत नीचे गर्दन डाल के और बैठ जाओ जिससे ज्यादा ज्यादा बोले, और नकली आंखें दिखाओगे तो ये डर जाएगा। इसलिए धमकाओ बिल्कुल मत, आराम से बैठ रहो, नीचे गर्दन डाल लो। ठाकुर जी ने नीचे गर्दन झुका ली, पांडवों ने नीचे गर्दन झुका ली, अब तो जोश बढ़ गया आज। जोश बढ़ गया है ना इसके अंदर। शिशुपाल बुरा भला भगवान को कहता चला गया, बहुत ही बुरा, गालियां देता रहा देता रहा देता रहा देता रहा, 99 शब्द हो गए। और जैसे 99 शब्द हुए, भगवान ने कहा धीरे से, शिशुपाल भाई है तू मेरा, बस रहने दे, मैंने तेरी माता को वचन दिया है इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, अब रहने दे, इतना बहुत बोल दिया तूने, रहने दे आओ। लेकिन शिशुपाल फिर भी नहीं माना, और जैसे 100 बात के पूर्ण हुए, अब तो भगवान ने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, और जैसे सुदर्शन चक्र आया, तेज गति से उसकी गर्दन जलाकर उसे नष्ट कर दिया। इसकी दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के श्री चरणों में मिली, प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की, बोलिए वांदेव हरिलाल की जय जय। बहुत से तो हाथन ऐसे उठा में जैसे किराए पे लेके आए हो, मजाक वाली बात है, है? प्रेम से बोलो। आइए कुछ दान आया है, वो इस प्रकार से है, 20 किलो गेहूं, श्री प्रेम पाल सिंह बरका निवासी, जोरदार तालियों की सेवा करेंगे, 151 रुपए। सूरजपाल सिंह मंदिर वाले, इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा करें, 101 रुपए और 20 किलो गेहूं। पप्पू सिंह आरा मशीन वाले, इनके लिए भी जोरदार तालियों की सेवा करें, 201 रुपए 30 किलो गेहूं। अनिल फौजी बरका निवासी, जोरदार तालियों की सेवा करेंगे, 201 रुपए। मोहर सिंह बरका निवासी, जोरदार तालियों की सेवा करें, 251 रुपए। दयालु शर्मा जी हिमयापुर, देखो गांव ही है, सब मुख लेवी नहीं जा रहे, ऐसा ही है, ब्याज जी के लिए दे रहे हैं, जोरदार तालियों की सेवा करेंगे, 251 रुपए। एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों की सेवा करें, क्योंकि ये ऐसे ही दान करते हैं, और जेब में हाथ तगड़ो सो दे, हाँ ठीक है, बोल भागे बिहारी लाल की। बड़ा सुंदर बात, देखे बोलना पड़ेगा राधे, बात क्यों कर रहे हो, जोर से बोलो राधे। आज के युग में भगवान की कथा कराने का मन कम करता है, किसी का करे भी तो दानी दाता थोड़ा पीछे हटते हैं, ये स्वयं करा रहा है, इसकी जगह में हो रही है, कराने तो देखा जाएगा, बस सब पता चल जाएगा इससे। और जगह तो किसी न किसी की होती है, जहाँ ठाकुर जी का भाव होता है, जहाँ गोविंद पधारना चाहते हैं वहीं पधार जाते हैं, वहीं उनकी कथा होती है। अब जगह से क्या लेना देना होता है भाई, कथा मैंने पहले दिन कहा था सामूहिक रूप से हो रही है, सामूहिक माने आप सभी के सहयोग से हो रही है। और आजकल कथाओं में देखिए धन खर्च होता है, भगवान की पूजा में भी आज के लक्ष्मी की आवश्यकता होती है, और वो बिना लक्ष्मी के रह भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी जी, कोई अपनी पत्नी की अलग कैसे रह सकता है, इसलिए गृह लक्ष्मी है, वह धन लक्ष्मी है ना, उनकी स्वयं की अपनी अर्धांगिनी है, तो वह अपनी अर्धांगिनी के बगैर कैसे रह सकते हैं, इसलिए धन की आवश्यकता होती है भगवान ठाकुर जी की पूजा के लिए, पूजा के लिए भी, क्योंकि चंदन भी लगाना होता है, धूप दीप भी जलाना होता है, उनको मोर पंख भी लगाना होता है, सुंदर श्रृंगार भी करना होता है, कथा सुननी होती है, तो आजकल वह सुखदेव और स्वामी सुखदेव जी राजा परीक्षित जैसा भाव तो है नहीं, जो कि दिन प्रतिदिन कथा चलती रही 7 दिन तक लगातार, और गंगा के किनारे बैठकर उन्होंने सुना, यह व्यवस्था भी आपके लिए होती है, टेंट की व्यवस्था भी होती है, और पंखों की भी है, साउंड की भी है, संगीत वालों की भी है, नहीं हो कैसा व्यास है, बैठा बैठा बता रहता है, कोई संगीत नहीं, कोई भाव नहीं, माताएं कहेंगे भजन तो सुना सुना गई ना,
का है, हम तो जैसे जामे जैसे लौट के आ जाए ने तू पाम फरेरो करा दे हमारे वैसे वैसे बैठो रहा था धोंधी की तरह कुछ कह रहे ना सुन संगीत नहीं है तो उसकी भी समस्या और इसलिए संगीत भी आवश्यकता होता है। और आज के युग में महंगाई है हैं? और इस महंगाई में ना कथा में थोड़ा धन लक्ष्मी का अति आवश्यकता पड़ती है, लक्ष्मी का अभाव, इसलिए देखिएगा व्यवस्था को बनना है आज की आज का दिन है आपके लिए, इसलिए सभी सज्जनों से मेरा बार बार भाव से अनुरोध है, देखिए अपने धन ग्रह धन से उसे स्नान कराओ, धन को अपने धन को जब तक स्नान नहीं कराएंगे तब तक वो पवित्र नहीं होगा, हमारे पास रहेगा हमारे पास रहेगा हमारे पास, अरे भगवान के समर्पण भी करो और जब ठाकुर जी के समर्पण करो तो आनंद मिलेगा, इसलिए हजार दो हजार चार हजार दस हजार का काम नहीं होता भगवान की कृपा में, आजकल लाखों रुपए का खर्चा होता है बिना इसके काम नहीं चलता है, थोड़े थोड़े से सिर्फ काम नहीं चलता है, व्यवस्था बनाने में लाखों का खर्च तो हो ही जाता है, इसलिए आप लोगों को उसी आधार से दान देना चाहिए जिस आधार का भाव है, किसी एक व्यक्ति पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी पड़ जाएगी तो अगली बार से मन ही नहीं करेगा बैठ जाएगा, हाँ कह दिया था हो गई कथा हमें नहीं करानी महाराज पहले करा के देख लिया है एक बार हमने बस सबने कह दिया और कहने के बाद फिर पीछे हट गए, हमारी बस की बात नहीं है अब नहीं महाराज एक ही बार जय राम भाई हमारे बस की बात आज उड़ने लगे, ऐसा न हो कि कोई धर्मात्मा पुण्यात्मा भगवान की कथा से हाथ जोड़ने लगे, इसलिए हमें सहयोग कर देना चाहिए क्योंकि मिलजुल करके करेंगे तो भावी नहीं होगा, एक व्यक्ति करेगा तो बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा बहुत ज्यादा धन लगाना पड़ेगा ज्यादा धन की जरूरत होगी, थोड़ो थोड़ो मिलते हो सहारो निर्भर न होगा भैया, भैया यशोदा कह रही थी ना थोड़ो थोड़ो सहारा दे दो, सभी थोड़ा थोड़ा सहारा दो आनंदमय भाव बन जाएगा जीवन और कथा बड़े आराम से हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से, इसलिए मैं अब यह तो नहीं कह रहा हूँ कि 5100 लेकिन भैया थोड़ा सा समझदारी से, आप तो समझदार है बहुत ही अच्छे हैं मुझे पता है बहुत ज्ञानी है, प्रेम से बोल तो वृंदावन बिहारी लाल की जय, माता है ना हाथ ऊपर कर देती है मुंह से बोलती नहीं है, बहुत और हमारे उदयपुर के कुछ भक्त आए हुए हैं जो व्यास जी का सम्मान करना चाहते हैं और एक भक्त वर्ग के भी हैं जो व्यास जी का पगड़ी सहित सम्मान करेंगे, दोनों लोग आ जाए खड़े होकर के, हाँ जी जो करना चाहते हैं वो कर लें श्री जी, अरे दिल मेरो ले गयो सावरिया ओढ़ के काली